शंकर भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वर भगवान की चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की गणाचार पुष्प दत्त सागर जी महाराज की उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की दस धर्म का अंतिम दिन उत्तम ब्रह्मचर्य एक ऐसी साधना जिस साधना के प्रभाव से हर आत्मा सिद्ध शिला को प्राप्त हो जाती है। जीवन में अनादि काल से हमने संसार के चक्र लगाए, परिभ्रमण किया, इस वजह से किया क्योंकि हमारे पास सब कुछ है लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पाता है। जैन आचार्य कहते हैं दो प्रकार के ब्रह्मचर्य होते हैं, एक श्रावक का ब्रह्मचर्य होता है और एक साधु का ब्रह्मचर्य होता है। जो एक पत्नी के साथ अपने जीवन को बिताता है उसे एक देश ब्रह्मचारी कहा करते हैं, जो संसार के सारे परिग्रह को छोड़ करके पांच पाप का त्याग करता है उसे सन्यासी कहा जाता है। ये पंचम काल है। याद रखना, जब आप घर में संसार को बढ़ाते हैं, संसार के साथ जीते हैं, तो हम 9 महीने के बाद एक संतान को जन्म दे दिया करते हैं। यदि संत पूरी आत्मीयता के साथ ब्रह्मचर्य के साथ साधना किया करता है, आप संतान को जन्म देते हो और संत संतत्व को जन्म दे दिया करता है, अपने अंदर की साधना को जगा लिया करता है। याद रखना, एक दल ब्रह्मचर्य भी सबसे बड़ी साधना हुआ करती है। आपने महाभारत में देखा होगा, धृतराष्ट्र आंखों से अंधा, गांधारी की आंखें होने के बाद भी उसने नियम ले लिया कि जब तक मैं स्त्री पर्याय में रहूंगी कभी आंखों से पट्टी नहीं हटाऊंगी। सारी दुनिया मुझे पति के नाम से पहचाने, इस भावना के साथ उस गांधारी ने अपने आंखों पर काली पट्टी बांध ली। एक देश ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कि मैं अपने जीवन में बंद आंखों से पति के अलावा और किसी को नहीं देखूंगी, इस प्रकार का संकल्प एक गांधारी ने लिया। आपने देखा होगा महाभारत में जब युद्ध चला, धीरे धीरे सारे कौरव हारते चले गए। जब गांधारी को पता चला कि मेरे सारे बेटे युद्ध के मैदान में मर चुके हैं, एक बेटा बचा हुआ है दुर्योधन, माँ का मोह जागृत हो गया। माँ ने कहा, बेटा मैं तुझे बचा सकती हूँ। दुर्योधन ने कहा, माँ सब कुछ खत्म हो चुका है, आप मुझे कैसे बचा सकती हो। माँ ने कहा, बेटा प्रातः काल जैसा मैंने तुझे पैदा किया था बस वैसे दिगंबर मुद्रा में मेरे पास आ जाना, मैं ऐसा आशीर्वाद दूंगी दुनिया की कोई ताकत में मार नहीं पाएगी।
दुर्योधन को लगा कि माँ का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। दुनिया में सबसे बड़ा आशीर्वाद बच्चे के लिए माँ का आशीर्वाद हुआ करता है। माँ जीवन का सारा सुख भूल करके बच्चे को सुखी बनाने का प्रयास किया करती है। दुर्योधन को लगा कि माँ का आशीर्वाद अब बेकार नहीं जाने वाला है। प्रातः काल की वेला में यथा जात मुद्रा में पूरे कपड़े को छोड़ करके वह दुर्योधन अपने माँ से मिलने के लिए जा रहा है। श्री कृष्ण को पता चलता है, उसने सोचा यदि यथा जात मुद्रा में माँ के सामने खड़ा हो गया इसका पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा, दुनिया की कोई ताकत दुर्योधन को मार नहीं पाएगी। श्री कृष्ण ने कहा, हे दुर्योधन, ये नंगे होके कहाँ जा रहे हो? दुर्योधन ने कहा, मैं तो अपनी माँ से मिलने जा रहा हूँ, पर शर्म आना चाहिए माँ के सामने ऐसी मुद्रा लेके। दुर्योधन ने कहा, इसमें क्या हुआ? जिस माँ ने मुझे जैसा पैदा किया है मैं तो उस माँ के पास वैसा ही तो जा रहा हूँ, इसमें कौन सी बुराई वाली बात हुआ करती है? अरे दुर्योधन, उस समय जब नंगा था उस समय ना समझ था, अब तो खुद तू समझदार है। अब समझदारी में तो इतना तो ध्यान रख कि वो तेरी माँ है और तू इतना समझदार हो चुका है, माँ ने तो इतना ही तुम्हारा किया है, कपड़े पहन करके मत आना, कम से कम एक केले की छाल तोड़ के चला जा, कम का थोड़ी तो लाज रख ले। ये बात दुर्योधन के दिमाग में फिट हो गई। दुर्योधन ने सोचा, माँ ने तो कपड़े का ही तो कहा है, कपड़ा पहन करके मत आना। एक केले का पत्ता वह अपने कमर में लगा करके माँ के सामने खड़ा हो जाया करता है। माँ ने कहा, बेटा जैसा मैंने बुलाया था तू वैसे ही आया है क्या? बोले हाँ माँ, जैसा तूने बुलाया था आज मैं आपके सामने वैसा ही खड़ा हूँ। माँ ने कहा, बेटा एक बार और सोच ले, एक बार और विचार कर ले, आसपास देख ले, कहीं धागा तो नहीं है, कहीं तिनका तो नहीं है। उस समय दुर्योधन ने कहा, माँ बिल्कुल आप विकल्प मत कीजिए, मेरे तन पर कोई धागा नहीं है, किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है। माँ ने कहा, एक बार और सोच ले। माँ मैंने पूरी तरीके से सोच लिया है, बिल्कुल मैं आपके सामने यथाजात मुद्रा में आया हूँ। उसी समय माँ ने कहा, ठीक है बेटा मैं तेरी बात को सच मानती हूँ। उसी समय वह माँ अपनी आंखों से पट्टी को उतारती है और उस दुर्योधन को निहारती है। जैसे ही उस माँ ने अपने बेटे को निहारा, उस बेटे का पूरा तन वज्र के समान मजबूत हो जाया करता है। लेकिन जहां पर केले का पत्ता लगा हुआ था उसको देख करके माँ को आंखों से झर झर अश्रु की धारा बहने लगती है। बोले, बेटा तूने मेरे साथ छल किया है, तब दुनिया की कोई ताकत तुझे बचा नहीं सकती। याद रखना, जैन आगम कितना सूक्ष्म आगम हुआ करता है। जैन आगम में तो इतना कहा जाता है, ये जब गांधारी किसी बच्चे को देखती है उसका पूरा तन वज्र के समान मजबूत हो जाया करता है। लेकिन पंचम काल में एक दिगंबर संत जिस श्रावक को देख लिया करता है उसकी सारी मनोकामना अपने आप पूरी हो जाया करती है। पंचम काल में एकमात्र वज्र के समान साधना दिगंबर साधु में ही देखी जाती है और किसी में देखी नहीं जा सकती है। जैन साधु की सबसे ज्यादा परीक्षा चौके के समय होती है, सबसे ज्यादा परीक्षा एक बिहार के समय हुआ करती है। महिलाओं के पैर टच हो, हाथ टच हो जाया करते हैं तो भी संत को कोई विकार नहीं आया करता है। चौके में साड़ी टच हो जाया करती है तो भी संत को कोई विकार नहीं आया करता है। ये संत की जीवन की सबसे बड़ी साधना हुआ करती है। जब मैं गोवा में पहुंचा, एक पत्रकार ने पूछा, बाबा जी आप कपड़े क्यों नहीं पहनते और आप गोवा में आ गए, यहाँ तो कम से कम एक कपड़ा तो पहन के आओ। मैंने पूछा, कौन सा पहन लूं? अगर मैं भगवा पहनूंगा लोग मुझे हिंदू संत कहेंगे, यदि मैं केसरिया पहनूंगा लोग मुझे हिंदू ही संत कहेंगे, यदि हरा कपड़ा पहनूंगा लोग मुझे मुस्लिम कहेंगे, यदि मैं सफ़ेद कपड़े पहनकर आऊंगा लोग मुझे सिख और ईसाई मानेंगे, मैं तो दिशाओं को अंबर बना करके दिगंबर होकर के आया हूँ।
फिर मैंने कहा याद रखना, जब तक बच्चा नंगा रहता है तब तक माँ उसको गोद में खिलाती है, और जैसे ही वह बच्चा कपड़े के पीछे भागता है माँ उसे गोद से अलग कर देती है। मैंने कहा पत्रकारों याद रखना, मैं भारत माता का सच्चा बेटा हुआ करता हूँ। एक जब बालक नंगा होता है वह बालक माँ की गोद में हुआ करता है, और जब तक मैं दिगंबर होता हूँ भारत माता की गोद में हुआ करता हूँ। भारत माता का सच्चा बेटा दिगंबर संत हुआ करता है, याद रखना। पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ अपने जीवन को यापन किया करता है। जैन आचार्य तत्वार्थ सूत्र में कहते हैं कि ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाएं हुआ करती हैं, जो 5 भावनाओं का पालन करता है वही सच्चा ब्रह्मचारी हुआ करता है। सबसे पहले कहते हैं स्त्री राग कथा श्रवण, स्त्री के राग की कथा को सुनने का त्याग कर दो। लेकिन आज के समय अपन लोग एक पिक्चर देखते हैं, उस पिक्चर में ही कितने बार अपने ब्रह्मचर्य को खंडित कर देते हैं। ये पत्नियां जब पिक्चर देखती हैं कहती वो हीरो कितना सुंदर है, इसका मतलब तेरा पति काला है। मतलब जिसके साथ शादी की है उसकी कोई तारीफ नहीं, और पिक्चर को देख के कहते वो हीरो कितना सुंदर है, क्या स्मार्ट है, क्या एक्टिंग करता है। इतना सोचने में ही आपका ब्रह्मचर्य, अगर कोई पति टीवी को मूवी को देखते देखते कहे वो हीरोइन कितनी सुंदर है, पत्नी कहती है क्या मैं पागल हूँ क्या तुम्हारे साथ रहती हूँ। विचार कीजिए जैन आचार्य क्या कह रहे हैं। आप टीवी देखते देखते ना जाने कितने पाप कमा लिया करते हो, उसको देखने से कोई फायदा नहीं है, उसकी तारीफ करने से कोई फायदा नहीं है, वो लाखों करोड़ों रुपए तुमसे कमा लिया करता है, लेकिन हम अपनी आंखों से अनंत गुना पाप कमा लिया करते हैं, कुछ हमें नहीं मिलता है। स्त्री राग कथा, दूसरों की तारीफ करते हैं, घर में पत्नी बैठी है दिन रात मेहनत करती है उसकी हम तारीफ नहीं करते हैं। आज के समय याद रखना, आई महिलाएं बड़ी सोचती हैं कि पति मेरा बहुत ध्यान रखता है, आप दूसरी पत्नी हो, इनकी पहली पत्नी और कोई है। हाँ बोले कौन सी पत्नी महाराज, पहली वाली कौन सी होगी रोशनलाल की। याद रखना आप दूसरी पत्नी है, पहली पत्नी इनका व्यापार, इनका ऑफिस पहली पत्नी हुआ करता है। जब ये ऑफिस में बैठ जाते हैं तो वह लक्ष्मी देवी को याद करते हैं, हे लक्ष्मी मैया अच्छे से आते रहना, यहाँ पत्नी फोन लगाती है, कहते भैया अभी बिल्कुल टाइम नहीं है, सीजन का टाइम चल रहा है, बड़े दिनों के बाद तो व्यापार चालू हुआ है, वहाँ पत्नी तुम्हें बुला रही है, यहाँ तुमको लक्ष्मी देवी। तो पहली पत्नी लक्ष्मी देवी, आप तो सेकंड वाली हो, जब वहाँ से टाइम मिलता है तब वो तुम्हें टाइम देते हैं, यदि वहाँ से टाइम नहीं मिलता है तो यहाँ टाइम नहीं मिला करता है। तुझे आचार्य कहते हैं स्त्री राग कथा श्रवण तन मनो और अंग निरीक्षण। याद रखना जब आप ट्रेन में बैठे हो 10 लड़के बैठे हो और एक लड़की आके बैठ जाए, उसके बाद देखो 10 लड़कों की स्टाइल क्या चेंज हो जाती है, बातचीत करने का तरीका बदल जाता है, ये मुझे देख रही है और पागल मुझे देख रही है, दोस्त दोस्त में झगड़ा हो जाता है। आज का समय कैसा है सोचिए, लड़कियां नंबर 1 लेके आती हैं, लड़कों के नंबर कम आ जाते हैं, क्यों ऐसा होता है। लड़के को लगता है कि लड़की हमें कितना चाहती है, कितने अच्छे से मुस्कुराती है, कितने अच्छे से बात करती है, अरे बातों ही बातों में आपके नंबर कम हो जाते हैं, और आपको लगता है कि लड़की हमें बहुत चाहती है, ये जीवन की कथा हुआ करता है। याद रखना है चांदनी चांद से होती है, चांदनी चांद से होती है, चमकना तारों को पड़ता है, लड़कियां फैशन करती हैं, तड़पना लड़कों को पड़ता है। एक ऐसा समय है सोचिए, ऐसा समय आपके बीच में है,
हाँ, शादी होने के बाद यदि हम श्रृंगार करते हैं, पति कहता है ये देवी लिपस्टिक मत लगाया कर, जब तू लिपस्टिक लगाती है तो तेरा चेहरा डरावना लगता है। अरे तुमको पसंद आए तो रख ले, नहीं तो मैं चली। याद रखना है लिपस्टिक किसके लिए, अब तो हो चुकी शादी, अब क्रीम पाउडर किसके लिए, अब तो अच्छे से शादी हो चुकी है, अब तो पति तो मैं कभी छोड़ने वाला नहीं है, फिर भी हम श्रृंगार करके बाजार में जा रहे हैं। चलो समझ गए क्या? तो जैन आचार्य मना करते हैं कि जीवन में हमें अपने ही पति पर ध्यान देना चाहिए, अपने परिवार पर ध्यान देना चाहिए, ये पति को भी अपने पत्नी पर ध्यान देना चाहिए, तो ही जाकर के आपके ब्रह्मचर्य का पालन हो सकता है। इसके बाद कहते हैं पूर्व रतानुस्मरण, पूर्व का स्मरण हो जाना साधु बनने के बाद पत्नी आ जाए। अकेले में कहना है भाई क्या बताएं, महाराज जी बन के फंस गए अपन तो, वहां तो कम से कम टाइम पे भोजन मिलता था, यहाँ तो कोई आहार के ठिकाने नहीं है। पूर्व स्मरण, पूर्व का स्मरण हो जाना। एक बार एक बुजुर्ग साधु युवाओं के युवा साधु के साथ वन में साधना कर रहा था, देखा एक कन्या तालाब में वह तैरने के लिए जाती है, वह डूबने लगती है, डूबने लगती है, कहती है बचाओ 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 बचाओ। उस समय वह युवा संत ताला में घूमता है, उस कन्या को बाहर निकाल के खड़ा कर देता है। वह बुजुर्ग साधु कहता है तू भ्रष्ट हो गया, तू भ्रष्ट हो गया, तू भ्रष्ट हो गया। उसने कहा यदि मैं नहीं बचाता वो कन्या मरण को प्राप्त हो जाती, अब तेरा ब्रह्मचर्य भ्रष्ट हो गया, तू खत्म हो गया। उसने कहा मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, ऐसी गलती अब मैं कभी नहीं करूँगा। वह बुजुर्ग साधु गाली पर गाली पर गाली देता रहा, जब संत के पास पहुँचा बोले हे आचार्य भगवान इस युवा संत ने बहुत बड़ा अपराध किया है। संत ने पूछा क्या अपराध किया है, बोले इसने कन्या को हाथ लगाया, कन्या को सरोवर से बाहर निकाला, इसका तो ब्रह्मचर्य खंडित हो गया है, इसे सजा देना चाहिए। उस समय आचार्य ने कहा हे बुजुर्ग संत सजा युवा संत को नहीं, सजा तुम्हें मिलना चाहिए। मुझे क्यों मिलना चाहिए? उस समय उस आचार्य ने इतना ही कहा, उस युवा ने तो कन्या को सरोवर से निकाल के वहीं छोड़ दिया, विकल्प को खत्म कर दिया, लेकिन तेरे मन में विकल्प अभी तक चलता आ रहा है, तो सजा तो तुम्हें मिलना चाहिए। जैन आचार्य कहते हैं कि जीवन में हम लोग मंदिरों में तो जाते हैं, पूजन पाठ तो करते हैं, लेकिन ध्यान पूर्व के स्मरण पर चला जाता है, उसमें भी हमारा ब्रह्मचर्य खंडित हो जाया करता है। इसके बाद कहते हैं वृषणेश रस गरिष्ठ पदार्थ, तली हुई चीज़ें, रात्रि भोजन का भी त्याग करके अपने जीवन को यापन करिए। और इसके बाद स्व शरीर संस्कार त्याग, अपने शरीर को इतना संस्कारित मत करो कि जीवन हमें पूजन पाठ में ना लगना पड़े, पूजन पाठ में हमारा मन ना लगे। तीर्थ यात्राओं पर जाओ तो सच्चे श्रावक बन के जाओगे, नियम से तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो सकता है। आज बहुत बड़ा दिन है, उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है, याद रखना फांस तनक सी तन में साले, चाह लगोटी की दुख पाले। इस आकिंचन ने आपको बता दिया है अंतिम समय आज का दिन इतना ही हुआ करता है कि जीवन में कुछ नहीं, कम से कम अष्टमी और चतुर्दशी को अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करके आत्म साधना कर सकते हो, अपनी आत्मा को तपा सकते हो, अपने अंदर की भावना को उस परम पिता परमात्मा से मिला सकते हो, तो ही जाकर के आपका यह धर्म पूरा हो सकता है। नहीं तो हम हर साल उत्तम ब्रह्मचर्य का त्यौहार मनाते हैं, पर्व मनाते हैं और अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। एक ही संकल्प आज के दिन अपने मन में होना चाहिए कि जब हमारा अंतिम समय आए उस अंतिम समय कोई साथ दे ना दे, लेकिन एक ब्रह्मचारी संत हमारा साथ दे करके हमें ब्रह्म से मुलाकात करा दे और मेरी आत्मा का कल्याण करा दे। ऐसे पावन दिन के समय एक ही भावना है प्रभु आपने भाई है, हे आदिनाथ भगवान तुम्हारे पास क्या कमी थी, एक नहीं दो दो पत्नियां थी, हे शांतिनाथ भगवान तुम्हारे पास क्या कमी थी, 96,000 रानियां थी, हे महावीर स्वामी भगवान तुम्हारे पास कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और ब्रह्मचर्य का पालन करके आज वो पंचम काल के
शासन नायक भगवान महावीर स्वामी बने हैं। आज वर्तमान को वर्तमान की आवश्यकता है कि जीवन में आज आप ये नमोस्तु क्यों कर रहे हो, ब्रह्मचर्य की वजह से आप मेरे पास बैठे हो, त्याग की वजह से मेरे पास बैठे हो, आज मुझे आहार दान देते हो, त्याग की वजह से मुझे आहार दान देते हो, ये साधना जीवन की सबसे बड़ी साधना हुआ करती है। आप सभी यही भावना भा करके अंतिम समय भावना भाएँ। आज हम एक देश ब्रह्मचर्य का पालन करते करते अंतिम समय सब देश ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें, ऐसी भावना के साथ ओम ह्रीम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्मांगाय नमः। यहीं बैठूंगा, आत्मीयता के साथ पूरा पूरा लाभ दीजिए। आज का दिन सबसे बड़ा पावन दिन होता है। सबसे पहला प्रश्न, मैंने आज मंगला